अभिषेक जी, क्या कारण है कि तमाम लोग स्टेटमेंट तो दिया कि महिला आरक्षण बिल बहुत अच्छा नहीं है, और लेकिन राम जी गौतम ही जो बसपा के सांसद हैं, वह संसद सदन के अंदर ही चिल्लाते हुए नजर आए महिला आरक्षण बिल पर, बाकी की तमाम पार्टियां अपोजिशन वगैरह सब लोग साइलेंट बैठे हुए थे। क्या कहना चाहेंगे, किस नजर से आप देखते हैं? जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, आप देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए कितना संघर्ष किया, या महात्मा फूले ने महिलाओं के लिए कितना संघर्ष किया। इस देश में जो जातिवादी व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट करते हैं, ये जो विचार, जिस विचार के आधार पर चलते हैं, वो विचार ने इस देश के महिलाओं को जिंदा मारने के लिए मजबूर किया, जिसको हम लोग सती प्रथा के नाम से जानते हैं। उसमें जो बच्चियां हैं वो पैदा होते ही मार दी जाती थी, जो बच्चियां हैं वो होश में नहीं आती थी, उससे पहले ही उनकी शादी हो जाती थी। तो जितना महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है, न उनको पढ़ने दिया गया, ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है न महिलाओं को पढ़ने देती है, न महिलाओं को संपत्ति रखने देती है, वो महिलाओं को एक गुलाम की तरह क्या है देखती है। और आप जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत प्रचलित है कि लोग, ब्राह्मणवादी लोग क्या कहते हैं कि कोई भी महिला जब वो छोटी होती है तो वो अपने पिता पे डिपेंड होती है, और जब वो बड़ी होती है तो वो अपने बेटे पे डिपेंड होती है, और जब अपने पति पे डिपेंड होती है, और जब वो बूढ़ी होती है तब वो अपने बेटे पे डिपेंड होती है। कहने का मतलब है कि महिला केवल डिपेंड होती है, और आपको पता है कि डिपेंड लोग दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, या डिपेंड लोग का जो न्याय है, जो मानवाधिकार है, वो डिपेंड जो लोग हैं वो कभी भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए उनकी डिपेंडेंसी खत्म की जानी जरूरी है, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे संपत्ति की हो, चाहे उनसे जुड़े उनकी लिबर्टी का मामला हो, उनका फ्रीडम, उनके फ्रीडम का मामला हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, महात्मा फूले अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले स्त्रियों को शिक्षा के लिए सबसे पहला स्कूल इस देश में खोला। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ जाके उन्होंने स्त्रियों के लिए ये पहला स्कूल खोला, और उन्होंने अपनी पत्नी माता सावित्री बाई को सबसे पहले पढ़ाया कि आप महिलाओं को पढ़ाने के लिए क्या है, आगे बढ़िए। तो जो रिवोल्ट है, ये ब्राह्मणवादी जो कुव्यवस्था है उसके खिलाफ, वो सबसे पहले महात्मा फूले ने आजाद इस आधुनिक भारत में किया। उसकी उस परंपरा को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बढ़ाया, और महिलाओं को मजबूत करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर तो उनको रिजर्वेशन देना चाहते थे, लेकिन जो जातिवादी महिलाएं हैं उन्होंने वो रिजर्वेशन लेने से इनकार कर दिया, जिसके कारण बाबा साहब मजबूर हो गए। लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर जो है हिंदू कोड बिल नाम का एक कानून बनाया, और वो पंडित नेहरू के साथ उनका ये करार था कि हिंदू कोड बिल जो है नेहरू की सरकार पास करेगी। उसमें क्या था कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, महिलाओं को डाइवोर्स लेने का अधिकार, मतलब अपने चॉइस का वो जीवन साथी चुन सकती थी, अगर वो अपने उनके चॉइस का जीवन साथी नहीं है तो उनसे तलाक लेके, उनसे डाइवोर्स लेके वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। उनकी जो डिपेंडेंसी है उनको खत्म करने का उन्होंने कानून बनाया, वो सक्सेशन कि भाई उत्तराधिकार, पिता की संपत्ति में बेटियों का भी उत्तराधिकार होगा। तो वो जो संपत्ति उनको देने की बात जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने की। कुल मिला के बाबा साहब अम्बेडकर ने ही महिलाओं की मुक्ति का जो है संवैधानिक तरीके से मार्ग खोला है। ये जो भारतीय महिलाएं जो ब्राह्मणवाद के चंगुल में अपने आप को इंसान भी होना नहीं उनको जो है समाज मानता है, उनको गुलाम से हटा के वो बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों ने उनको जो है आज एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी देने का काम कर रहा है बाबा साहब के कानून, बाबा साहब का संविधान। आज कोई ऐसा जर्रा नहीं है, कोई ऐसा महकमा नहीं है जहां भारत की बेटियां अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हो। ये किस आधार पे कर रही हैं? ये संविधान के कारण कर रही हैं, ये बहुजन महापुरुषों के आंदोलन के कारण कर रही हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों के कारण कर रही हैं। वो चाहे जातिवादी समाज की महिलाएं ही क्यों ना हो, वो चाहे प्रोफेसर बनी हो, चाहे डॉक्टर बनी हो, चाहे इंजीनियर बनी हो, चाहे साइंटिस्ट बनी हो, चाहे बैंकर बनी हो, चाहे कोई भी, चाहे पायलट बनी हो, चाहे कोई भी, चाहे इवन राजनीति में हो,
वो क्यों आई हैं? क्योंकि बाबा साहब का संविधान उनको ये अधिकार देता है, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने का अधिकार देता है। इसलिए वो आज हमें हर जर्रे में, हर संसाधन में, हर संस्थान में हमें वो दिखाई देती हैं। लेकिन जो जातिवादी व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो महिलाओं को बहुत प्रतिबंध लगाती है। इवन उनको जो है जानवरों की तरह रहने के लिए मजबूर करती है। उनको जीते जी उनको जो है मृत्यु सैया पे क्या है डाल के उनको आग के हवाले कर देने की व्यवस्था करती है। तो कहने का मतलब है कि इतना रिफॉर्म जो बाबा साहब अम्बेडकर बहुजन महापुरुषों के आंदोलन में हुआ है, उसका नेतृत्व जो बहुजन समाज पार्टी कर रही है, तो इसका प्रभाव आज बढ़ रहा है। लोगों को ये जो सच्चा इतिहास है वो लोगों की समझ में आने लगा है। इसलिए लोग जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ बहुत उम्मीद के साथ, बहुत विश्वास के साथ बढ़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। तो ये हमें जो विचारधाराओं का जो अंतर है इस देश में, ब्राह्मणवाद की विचारधारा और जो बहुजन आंदोलन की विचारधारा है, जिसको मानवतावादी विचारधारा हम बोलते हैं, तो हमें इसको समझने की जरूरत है। और यही कारण है कि आज इस देश में जो पार्टियां सत्ता में हैं वो कोशिश ब्राह्मणवाद को मजबूत करने की बहुत करती हैं, लेकिन उनकी कोशिश जो है अब धीरे धीरे नाकामयाब हो रही है। इसलिए वो तन मन धन सब कुछ चुनाव के माध्यम से, चुनाव को जो है जो कहते हैं ना फ्री और फेयर, जो चुनाव ना हो इसका प्रबंध करती हैं, जो पैसा है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण इस देश में करप्शन जो है बढ़ता है। तो ये काम जो है जब कांग्रेस रहती है तो कांग्रेस करती है, आज भारतीय जनता पार्टी है तो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। जी जी, आपने बोला कि ये हमें समझने की जरूरत यह है कि आपका वोट कहाँ जाना चाहिए, आपका मूल जो मौलिक अधिकार है कौन आपको दिलवा सकता है, आपके आरक्षण की बात कौन कर सकता है, संविधान को बचाने की बात कौन कर सकता है, और तमाम पार्टियों के जुमलों से बचना होगा। और 2024 में जो आपको लगता है कि कौन डिजर्विंग कर सकता है, कौन बाबा साहब के सपनों को पूरा कर सकता है, तमाम चर्चा पे अभिषेक एडवोकेट अभिषेक कुमार जी ने हमें बताया है कि बाबा साहब के संविधान को कौन बचा सकता है। मैं धन्यवाद करूंगा आपका जो आपने सहम चर्चा पे हमारे साथ बात करी और आपने विशेष तरीके से बताया कि कांग्रेस और बीजेपी जो है वह एक नूरा कुश्ती करते हैं और अब ये बात लोगों को समझ में आ गई है। कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के रूप में ही उनको एक आखिरी विकल्प नजर आता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बीजेपी के बाद अगर कोई विपक्ष आता है तो वह कांग्रेस आती है, लेकिन 50 साल के आसपास कांग्रेस का शासन देख लिया और नरेंद्र मोदी जी का भी शासन देख लिया और बसपा को बहन कुमारी मायावती का भी शासन देखा है, जो लॉ एंड ऑर्डर पे चलता था, जिस जो एडमिनिस्ट्रेशन पे चलता था, एक गजब का काम नजर आता था, सड़कें सुधार आपको नजर आता था, स्कूल कॉलेज नौकरियां सब तरीके का शासन नजर आता था, वो कहीं ना कहीं अभी जनता के रूप में भी और मूड में भी आ गया है कि 2024 में बहन जी के हाथ मजबूत करें और कहीं देश को एक ताकत देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने सहम चर्चा पे हमारे साथ बात। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।